हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है मैनुअल एनालिसिस वर्सेस स्टैट प्रो एनालिसिस। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम मैनुअल डिजाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर को, कोई भी बीम कॉलम स्लैब को, और जो स्टैट प्रो में जो रिजल्ट आता है उसको आज हम कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि कितना रिजल्ट एक्यूरेट आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल जो होगा वो है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो आइए देखते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर एंटायर बीम। यहाँ पे आप एक केस देख पा रहे हैं जहां पे एक बीम है जिसकी लेंथ है L, UDL उस पे लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर, और जिसमें सपोर्ट लग रहा है पिन सपोर्ट एक तरफ और एक तरफ है रोलर सपोर्ट। तो आइए इस केस को एनालाइज करते और डिजाइन करते मैनुअली चेक करेंगे शियर फोर्स के वैल्यूज को, बेंडिंग मूवमेंट के वैल्यूज को, फिर हम स्टैट प्रो के रिजल्ट को टैली करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम को आपको एनालाइज और डिजाइन करने के लिए सबसे पहले रिएक्शंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करनी पड़ेगी। समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्विवेलेंट टू जीरो। मैं आपको यहां पर डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो आर ए और आर बी की जो वैल्यू है वो होगी डब्ल्यू एल बाई टू, और जो कि हमारा निकला है 12.5 किलो न्यूटन। जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कवर होगा वो एट सेंटर होगा यूडीएल के केस में, तो उसकी वैल्यू आती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, जो कि यहां पे होगा 15.6 किलो न्यूटन मीटर। और अब देखते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम जैसे कि आप देख पा रहे हो लीनियर पैटर्न फॉलो करेगा। तो डब्ल्यू एल एक्स बाई 2 जो था वो 12.5 किलो न्यूटन है बोथ साइड। आपका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा कुछ ऐसा होगा। उसी प्रकार से जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होगा वो पैराबोलिक होगा इस केस में। तो आइए स्टैट प्रो में देखते हैं, उसको एनालाइज करके देखते हैं इसी स्ट्रक्चर को, इसी सिंपली सपोर्टेड बीम को, कि उसके रिजल्ट कितने एक्यूरेट हैं। तो ये है आपका स्टैट प्रो का इंटरफेस। अब यहां पे हम एक बीम क्रिएट करने वाले। बीम क्रिएट करने के लिए मैं जो मेथड यूज करने जा रहा हूं वो कहलाता है ग्राफिकल मैथड, या फिर हम उसको स्नैप नोड बीम मैथड भी बोल सकते हैं। तो एक बीम क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, दो क्लिक्स करने। मैं एक क्लिक जीरो में कर रहा हूं और एक फाइव में मैंने क्लिक किया। ये 5 मीटर की बीम बनी है। अब इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, ये 5 मीटर की मैंने बीम बनाई है। अब इसे मुझे प्रॉपर्टी देना है। प्रॉपर्टी देने का मतलब होता है इसके क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करना। तो मुझे जाना पड़ेगा जनरल में, फिर वहां पे प्रॉपर्टी, और यहां पे आप देखिए एक ऑप्शन है हमारे पास डिफाइन। डिफाइन में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपके पास ऑप्शन है सर्कुलर रेक्टेंगुलर। तो मैं यहां पे शेप ले रहा हूं रेक्टेंगुलर, जिसमें डेप्थ जो मुझे लेना है फिलहाल के लिए मैं ले लेता हूं 0.3। अभी कुछ भी ले सकते हैं आप, मैं 0.3 ले रहा हूं, और विड्थ ले रहा हूं 0.2। ऐड किया, क्लोज किया, और अब इसको असाइन करना है। तो असाइन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, या तो आप असाइन टू व्यू पे क्लिक कर सकते हो या तो यूज कर्सर टू असाइन। तो मैं असाइन टू व्यू पे क्लिक करके असाइन कर लेता हूं। ये देखिए, ये असाइन हो चुका है। और अगर आप 3D में देखना चाहते हैं तो 3D में भी देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें प्रॉपर्टी लग चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सपोर्ट देने के लिए फिर से मैं जनरल में क्लिक कर रहा हूं, सपोर्ट में आपको क्लिक करना है, और यहां पर देखिए क्रिएट ऑप्शन है। मैं क्रिएट में क्लिक कर रहा हूं, और सबसे पहले ये क्योंकि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मुझे एक तरफ पिन सपोर्ट देना पड़ेगा और एक तरफ रोलर सपोर्ट। तो पिन सपोर्ट यहां पे देखिए, यहां पे है पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट जो होता है वो रेस्ट्रेंड होता है सभी फोर्सेस से, बस उसमें मूवमेंट अलाउड होता है। मैं ऐड करने जा रहा हूं और मैंने इसको क्लिक करके यहां पे असाइन कर दिया। ये देखिए, यहां पे मैंने पिन सपोर्ट असाइन कर दिया। उसी प्रकार से फिर से क्रिएट में जा रहा हूं, और जो रोलर सपोर्ट लेंगे उसको हमें एनफोर्स करना पड़ेगा। तो आपको जाना है एनफोर्स बट में, और यहां पे जो रोलर सपोर्ट होता है वो FX, FZ, MX, MY, MZ सब तरफ से रिलीज होता है। सिर्फ FY जो होता है वो रेस्ट्रेंड होता है,
वहां पे रिएक्शन डेवलप होता है, इसलिए आपको आप इसको अनचेक रखेंगे। ऐड किया मैंने और इसको क्लिक करके यहां पे असाइन कर देता हूं। तो ये देखिए, ये मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम रेडी कर लिया है, उसको मैंने सपोर्ट भी पुट कर दिया। अब मुझे इसमें लोड अप्लाई करना है। लोड अप्लाई करने के लिए आपको जनरल में यहां पे देखिए लिखा है लोड एंड डेफिनेशन, क्लिक करना है और उसके बाद लोड केस डिटेल में मैं ऐड करने जा रहा हूं। कोई भी एक लोड ले लेता हूं, लाइव लोड मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं। मैंने टाइटल दे दिया लाइव, ऐड किया, क्लोज किया और लाइव लोड में क्लिक करके मैं यहां पे मेंबर लोड ले रहा हूं। फिलहाल देखिए अभी हम सेल्फ वेट को इग्नोर करेंगे, सिर्फ मेंबर लोड, क्योंकि यूडीएल हमने अप्लाई किया इसलिए मैं यूडीएल ले रहा हूं। क्योंकि इसमें डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं कि वाई अप है, तो माइनस वाई के लिए आपको माइनस फाइव देना पड़ेगा। यहां पे डायरेक्शन आपका होगा ग्लोबल वाई डायरेक्शन, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे और इसको आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल असाइन टू व्यू में क्लिक कर सकते हैं, असाइन, यस। तो यहां पे देखिए ये यूडीएल लग चुका है, अब मुझे इसको एनालिसिस करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि एक सिंपल कोई भी स्ट्रक्चर को आपको जब एनालाइज और डिजाइन करना है तो सेवरल प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस में सबसे पहला है कि आपको मॉडलिंग करनी है, उस मॉडलिंग में सबसे पहला आपको ज्योमेट्री बनाना है, फिर प्रॉपर्टी देना है, सपोर्ट देना है, लोड प्रोवाइड करना है, फिर एनालाइज करना है और आगे डिजाइन करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एनालिसिस के लिए। तो एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एनालाइज, क्लिक किया मैंने एनालिसिस प्रिंट में और यहां पे ऑल सभी टाइप के एनालिसिस को मैं ऐड कर देता हूं, क्लोज किया मैंने और लास्ट एक प्रोसेस बचा है। आपको मेन्यू बार में एनालाइज मिल जाएगा, आपको रन एनालाइज करना है, सेव किया आपने और यहां पे रिजल्ट जनरेट हो रहा है। रिजल्ट में आप देख रहे हो जीरो एरर है। वार्निंग्स को हम अभी इग्नोर करेंगे, एरर बस नहीं आना चाहिए, तो एरर जो कि है जीरो, क्योंकि अभी हमें आउटपुट फाइल से डील नहीं करना है। इसलिए मैं डायरेक्टली चलता हूं पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। ये देखिए यहां पे है पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, इसको क्लिक किया मैंने, आपको सेलेक्ट करना है, आप आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे देखिए आपको सबसे पहले चेक करना है रिएक्शंस, जो कि हमने कैलकुलेट किया है 12.5। यहां पे आप देख पा रहे हैं जो रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया था आर ए आर बी डब्ल्यू एल बाई टू, जो कि था 12.5 किलो न्यूटन। आइए इसको चेक करते हैं। अब रिएक्शन को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले नोड में क्लिक करना पड़ेगा, नोड में क्लिक किया आपने और रिएक्शन में क्लिक करना है। तो यहां पे आप रिएक्शन देख पा रहे, एकदम एक्यूरेट रिएक्शन आया है आर ए 12.5, वैसे ही आर बी आया 12.5 किलो न्यूटन। अब हम चेक करते हैं बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम को। तो बेंडिंग मूवमेंट को चेक करने के लिए आपको जाना है बी में। जैसे ही आपने बी में क्लिक किया, हम यहां डायरेक्ट ग्राफ देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं ग्राफ में क्लिक करूंगा, एमजेड जो होता है वो होता है बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम। अब यहां पे देखिए जो कैलकुलेट करके दे रहा है वो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, -15.6 डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए माइनस दे रहा है। और यहां पे आप देख पा रहे जो हमने कैलकुलेट किया था डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, जो कि एकदम एक्यूरेट है 15.6 किलो न्यूटन मीटर। उसी प्रकार से शेयर फोर्स डायग्राम भी आप देख पा रहे हैं, यहां पे भी 12.5 और 12.5 लीनियर बना रहा है और यहां पैराबोलिक बना रहा है। तो जो स्टैट प्रो के रिजल्ट्स है वो एकदम एक्यूरेट है मैनुअल कैलकुलेशन से, जो हमने अभी अभी चेक किया। आप सभी व्यूवर्स के लिए एक गुड न्यूज है कि हम बहुत ही जल्दी स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाले। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अभी हमने एक मैनुअल और स्टैट प्रो के रिजल्ट्स को कैलकुलेट किया है, चेक किया है, आइडेंटिफाई किया है। उसी प्रकार से और भी मेरे लेक्चर्स जो होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे कि हम किस तरीके से एक्चुअल में जो प्रैक्टिस होता है स्टैट प्रो और मैनुअल के साथ उसको जो टैली किया जाता है, उस तरीके से हम ये कोर्स डिजाइन करने वाले हैं, जिसमें आप पूरा एक कंप्लीट बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के पार्ट को कवर करेंगे, बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके साथ स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन, कोडल प्रोविजंस और पूरा सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.civilguruji.com। आप चाहे तो सिविल गुरुजी के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9111001234 पर फॉर फर्दर क्यूरीज। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस है वो सब मिले। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।